कोई भी क्वेश्चन क्वारी रह गया तो मैं उसके बीच में उसका आंसर भी दूंगा। तो ये चीज है, जैसे मोहित जी ने बताया कि सबको आसान लगता है ना पहुंचना पैसा, लेकिन कैसे पहुंचे, क्या क्या मतलब रोटी बेलना पड़ा है क्या नहीं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको डिसीजन लेना सबसे बड़ी बात होता है। अगर जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, आप घूमते रहेंगे ऐसे ही, क्या करना है क्या नहीं। जब जैसे होता है ना, बस में टिकट काट लिया लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है ना, कंडक्टर आके पूछ रहा है कि कहाँ जाना है, नहीं पता नहीं, देखते हैं कहाँ जाना है, तो वही बात हो जाएगा इधर। तो मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ, जैसे कल एक दो बार बोल चुका हूँ, जैसे कल 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में लोग थोड़ा ये एबीपी के बारे में पूरा स्पाम फैला दिए, मतलब एबीपी भाग गया, क्योंकि उसका एक मीटिंग, खाली छोटा सा मीटिंग के कारण नहीं हो पाया, तो इसके कारण उनको पता नहीं था कि 2:30 बजे उनका मीटिंग है ना। तो ये चीज है, तो ये जो लोग रहते हैं ना कि खुद भी कुछ नहीं करते हैं लेकिन लोगों को थोड़ा नेगेटिव करने के लिए उनको मजा आता है, वो बोलते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा लेकिन दूसरे को भी करने भी नहीं दूंगा, है ना, ऐसे ही रहते हैं। जैसे एक फॉरेनर आए थे इंडिया घूमने के लिए, है ना, कुछ लोग इंग्लैंड यूके से बैठे थे, लेकिन उस टाइम में ये स्क्रैप जो होता है ना, स्क्रैप आप जानते होंगे, समुन्द्र में मिलता है ना, उसको एक हंडी था उसके अंदर में था, इसको खोल दिया गया। ये फॉरेनर बोल रहा है कि ये भाग जाएगा, ये इंडियन बोला कि नहीं नहीं ये इंडियन स्क्रैप है, ये नहीं भागेंगे, क्यों, एक ऊपर जा रहा है ना उसके नीचे पकड़ के वो रखेगा, कोई नहीं भाग पाएगा उसके नीचे, उसके वाले को नीचे डाउन करेगा, ये चीज है। तो यही है, नेगेटिव लोगों का नेगेटिव सोच ही रहेगा और नेगेटिव बनते रहेंगे, तो इसलिए आप बी पॉजिटिव और आगे बढ़ते जाइए, यही चीज है। अगर एक बार डिसीजन ले लिए तो ठीक है, अगर डिसीजन नहीं लिए तब तक आप क्वारी करते रहिए, कोई बात नहीं, एक बार डिसीजन ले लीजिए और पीछे मुड़ के मत देखिए, यही चीज है। ठीक है, मैं डायनेमिक लीडर और पूरन सिंह को बुलाना चाहूंगा, वो बहुत शिद्दत से और मेहनत से SI रैंक क्लियर किए हैं, अभी पहला DIB मेरा टीम से वो ही अचीव कामना है, और उनको मैं बुलाना चाहूंगा। रवि राजपूत जो है ना, वो थोड़ा कोहोर्ट बना दीजिए। जी, दोस्तों थोड़ा सा मैं पूरन जी के बारे में बता देता हूँ। फोरेक्स मार्केट के अच्छे एक्सपर्ट हैं, पिछले 10 साल से ट्रेनिंग भी लोगों को देते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे फोरेक्स में रखते हैं और अच्छा पैसा कमाया भी है, लोगों को कमवाने में मदद भी की है, जो भी प्रोजेक्ट करते हैं शिद्दत से प्रमोट करते हैं, और आज हमारे साथ बीच हैं पूरन सिंह जी। और मैं यही कहना चाहूंगा, आप उनको 15-20 मिनट तक गौर से सुने, वो सिस्टम के बारे में उनकी क्या प्लानिंग थी, क्यों उन्होंने उसको ज्वाइन किया, क्या इसकी फ्यूचर प्लानिंग है और क्या इसमें बेनिफिट्स हैं इसके साथ जुड़ने के। थैंक यू मैम। मैं पूरे थैंक यू मैम, मैं पूरन सिंह भदौरिया दिल्ली जनकपुरी से, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स अ लॉट मेहरा जी को मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे को इंट्रोड्यूस करने वाले जो हैं मेरे बड़े भाई मेहरा जी हैं, और नो डाउट इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, और मेहरा जी ने एज ए बिग ब्रदर, जो एक बड़े भाई का के नाते जो एक फर्ज होता है, उन्होंने हमेशा पूरा कम्प्लीटली किया। और मैंने इस सिस्टम को 24 फरवरी 2022 को मैंने इसे ज्वाइन किया, और वैसे और पर्टिकुलरली और देखा जाए पर्टिकुलरली तो मैं लास्ट 1 ईयर से इसको फॉलो कर रहा था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले से इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मैं इसको फॉलो कर रहा था। और जो भी एक पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ब्रोकर्स या किसी भी ट्रेडर्स को देखने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं और मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ काम करता हूं एज एन IB,
और जहाँ पे क्लासेस भी चलती है मेरी, मैं लोगों को ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो जो किसी भी एक अच्छे ब्रोकर्स को लेके जो भी एक पैरामीटर्स होते हैं, अच्छे मींस बोले जो दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ब्रोकर है, जो भी टॉप 10 ब्रोकर्स भी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के, तो उनके पास भी जो पैरामीटर्स हैं यानी जो रेगुलेटरीज हैं, जिस रेगुलेटरी बॉडीज के थ्रू वो लोग पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, भाई किस कंट्री से रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है, वो सारी चीजें FVP के अंदर मेरे को दिखाई दी। क्योंकि जिन ब्रोकर के साथ भी मैं पिछले 3-3, 4-4 साल से काम कर रहा हूँ, तो जो चीजें उनके पास थी वो सारी सेम इनके पास भी थी। जब वो पिछले 8-8, 10-10 साल से वो लोग मार्केट में काम कर सकते हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर सकता। तो मेरे साथ में क्या था कि मेरे साथ अभी मार्केट के अंदर दो तरह की कम्युनिटीज मेरे साथ एंटर करती है। एक तो वो एंटर करती हैं जो सिक्का खुद ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसकी मेरी क्लासेस चलती हैं, वो लोग अटेंड करते हैं मेरे साथ में। लेकिन एक मेगा जो मासेस जो मेरे पास आता है, तो वो मेरे पास वो आता है जो खुद ट्रेडिंग या तो करना नहीं चाहता या उसको आती नहीं है। और फिर आज क्या किसी को आती भी है तो कहीं ना कहीं अपने किसी बिजनेस में, प्रोफेशन में, जॉब में वो लोग आज इतने बिजी हो चुके हैं कि आज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर उसको वो दे पाए। तो ये सब चीज देखते हुए मुझको देखा मैंने FVP के अंदर, तो यहाँ पे मैं उन लोगों को भी इनवाइट कर सकता हूँ जो किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो खुद ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे, या फिर आधी अधूरी नॉलेज है और वो अपने इस इंडस्ट्री को लेकर किसी के एक दूसरे को देखने के तरह के से वो एंटर हो जाते हैं और अपने हाथ जला लेते हैं और फिर बोलते हैं कि इंडस्ट्री खराब है। तो देखो ये कोई भी चीज, चाहे ये प्रोफेशन है या कोई सा भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन के अंदर जो है, जब तक नॉलेज आपको मुझे नहीं होगी, चाहे ये है चाहे कोई सी भी कंपनी है, वाट एवर कोई सी भी रहे, तो हर जगह जब तक प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं होगी तो नुकसान ही हमेशा होता है। तो मैंने एक चीज यहाँ पर गौर की कि भाई ये FVP ट्रेड जो है, जो इतने बड़े स्केल पे काम कर रहा है, तो इसके लास्ट जो ट्रैक था, पूरा ट्रैक मैंने इसका चेक किया कि भाई इनका ट्रेडिंग करने का क्या तरीका है, क्या किस तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो जब सारी चीजें जब देखी, समझ में आई और मेहरा जी से बात होने के बाद, फिर मैंने पुराने अकाउंट्स भी इसके चेक किए, तो फिर मुझे लगा कि वाकई में यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं उन स्पेशली उन लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जो या तो जाने अनजाने में कहीं अपना नुकसान कर चुके हैं, या फिर उनको मालूम है कि इंडस्ट्री इतनी बड़ी है बट आज हमारे पास या तो टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और या हम सीख के कर पाए। तो उन सबको मैं इन्वाइट कर पाया, उनको इंट्रोड्यूस किया, और 24 फरवरी को मैंने स्टार्टअप किया। मेरे स्टार्टअप ही किया था कि तभी 9 मार्च 2022 को मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई और तकरीबन 1 महीने वो हॉस्पिटलाइज रहा, जिसमें मैं पूरा डिस्टर्ब रहा 1 महीने तक। लेकिन उस टाइम मेरे बड़े भाई मेहरा जी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं मेडिकली डिस्टर्ब हूँ बच्चे को लेके, और पूरा सपोर्ट मेरी टीम को टेक केयर किया, जूम में, कॉन कॉल में पूरी सपोर्ट करी। और 7 अप्रैल को मेरे बेटे को छुट्टी मिली। छुट्टी मिलने के बाद में फिर 8 अप्रैल से मैंने फिर फुल फ्लैश काम चालू किया और 12 अप्रैल को मैंने अपना IB क्वालिफाई किया, यानी 4-5 डेज के अंदर मैंने IB क्वालिफाई किया। और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बता देना चाहता हूँ, इस सक्सेस की जर्नी के अंदर जो ये FVP ट्रेड है, जो एक्चुअल सक्सेस जो चालू होती है वो IB कैरियर से चालू होती है। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि तहे दिल से इसमें काम करें और लाइफ में ध्यान रखें, चाहे FVP ट्रेड है या वट एवर जो भी आप में किसी भी बिजनेस में, प्रोफेशन में, आप और मैं हैं, लाइफ में अगर कुछ होता है तो सिर्फ 100% होता है, लाइफ में 99% कुछ नहीं होता, 90% कुछ नहीं होता। लाइफ में दें तो अपना 100% दें या फिर बिल्कुल ना दें, क्योंकि अगर आप और मैं एक्सपेक्ट तो करते हैं एक बेटर रिजल्ट को लेके, ठीक है ना, एक बेटर अर्निंग को लेके, लेकिन हम अपनी लाइफ का बेटर कभी देना नहीं चाहते, ठीक है ना। तो लाइफ में अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बेटर लाइफ के लिए, तो हमेशा अपनी लाइफ में, चाहे किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी कंपनी में आप काम करें, अपनी लाइफ का हमेशा बेस्ट दें, और बेस्ट जब देंगे तो आपको भी लाइफ का बेस्ट ही मिलेगा। और वो मुझे FVP ट्रेड से मिला। चाहे इनका बात करें, अगर जैसे एक अच्छे ब्रोकर की हम लोग बात करते हैं, सर्टिफिकेशन की जो बात करते हैं, अगर आप जितने लोग भी इसमें अभी 290 अप्रोक्सीमेटली 300 लोग अभी इसमें हैं, अभी आप इनके जब भी MT4 पे लोग ट्रेडिंग करते हैं तो MT4 पे आप प्रॉपर देखना इनको कि किस तरीके से ये कंटिन्यूसली एक सिस्टमेटिक तरीके से ये लोग ट्रेडिंग करते हैं।
ये लोग एवरेजिंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। एवरेजिंग ट्रेडिंग के अंदर क्या है, ये स्कैल्पिंग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में नहीं करते। स्कैल्पिंग इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड चलती है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके आपको प्रॉफिट देके चली जाती है। तो पूरे दिन का ये एवरेजिंग निकालते हैं, कितना हमारे को प्रॉफिट हुआ, कितना हमारे को लॉस हुआ। और जब आप पूरे दिन का ट्रेड जब देखेंगे तो एक सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे रिस्क मैनेजमेंट को लेते हुए, चाहे आपका अकाउंट $500 का है, चाहे 1000 का है, 5000 का है, व्हाटएवर जो भी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, या जितने का अभी हम एक सोच के देखते हैं, मैं पहले एक छोटी अमाउंट डालता हूँ, अगर अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला तो वैसे वो मैं बेटर कर पाऊंगा। तो मेरी इंटायर टीम के अंदर जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले जिन्होंने से $500 से स्टार्टअप किया, जब उन्होंने देखा एक सिस्टमेटिक तरीके से, जब उन्होंने काम करना चालू किया, देखा उन्होंने कि ये तो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करता है, रिस्क मैनेजमेंट लेके ट्रेड करता है, 100% सेफ लेके हमें चल रहा है, तो वो अकाउंट $500 के कब 5000 में कन्वर्ट हो गए, 5000 वाले अकाउंट कब 10000 में कन्वर्ट हो गए पता ही चला। किसी भी व्यक्ति ने हमारे से ये नहीं पूछा बाद में कि भाई पूरन जी हमने $500 डाले थे लेकिन हम सेटिस्फाई हैं, अब आगे हम डालें कि नहीं डालें, मतलब एक भी व्यक्ति ने हमसे पूछा नहीं। वो खुद इतना कॉन्फिडेंट हो गया सिस्टम को देखते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो बोलते हैं कि भाई कंपनी बोलती है कि भाई 90 डेज से पहले अगर आप निकालोगे तो 10% काट लेंगे, पता नहीं वो कंपनी देगी भी नहीं देगी, या हो सकता है ये पैसे रोकने के लिए ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, एवरी वीक मेरी टीम से कोई ना कोई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो बहुत बड़ी टीम खड़ी हो गई है कि कारवा बन गया है। हर व्यक्ति टीम के एंटायर टीम में से कोई ना कोई अपने पैकेज को सिर्फ टेस्टिंग के लिए टर्मिनेट करके चेक करता है, सिर्फ ये देखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कि कंपनी जो कमिटमेंट करती है क्या उस हिसाब से हमारे को हमारा पैसा, हमारा मूलधन क्या वापिस करती है क्या। अभी तक सिंगल कोई कॉल मेरे सेल पे ऐसी नहीं आई, आज लगा लीजिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन 5 महीने होने को जा रहे हैं, कि कोई व्यक्ति ये बोले कि भाई साहब मैंने पूरन जी लगाया था और मेरा टाइमली कंपनी ने मेरे को रिफंड नहीं किया, चाहे उसका प्रॉफिट है, वो चाहे उसका मूलधन है, व्हाटएवर जो भी वो सिस्टमेटिक तरीके से जो विड्रॉल करना चाहता है, वो हर चीज के अंदर कंपनी डिसिप्लिन तरीके से काम कर रही है। एक सिंगल बंदे का हमारे सेल पे कॉल नहीं आता। तो बड़ी बेटर क्या होता है, जब तक आपकी टीम का आपके साथ कभी भी विड्रॉल को लेके फोन नहीं आ रहा ना, तो उससे बेटर चीज कुछ नहीं हो सकती लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर इतनी बढ़िया चीज है कि हमारी टीम के अंदर, मेरे पास तो आज तक कोई फोन नहीं आया इतनी बड़ी टीम खड़ी होने के बावजूद ही। और दूसरा अगर हमने बात करें तो नो डाउट कंपनी के प्रोफाइल की बात करूं, सिस्टम की बात करूं, मैं जितने भी लोगों को देखो, आपका मेरा क्या काम होना चाहिए, हम किसी भी व्यक्ति को जब सिस्टम के बारे में बताते हैं तो अपना बेस्ट दें उसे, हमेशा उसको वो सारी चीज शेयर करें, प्लस भी शेयर करें और माइनस भी शेयर करें, हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों में देखता हूं जब वो लोग प्लान देते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बताते ही नहीं है सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई बिफोर 90 डेज और बिफोर और आफ्टर 90 डेज में क्या फर्क है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रहे, अपने प्रोस्पेक्ट को हर चीज शेयर करें, उसको कल को मन में ये ना लगे कि आपने उसको अधूरी नॉलेज दी थी और सिर्फ उसको ज्वाइन कराने की वजह से आप उसको ज्वाइन करा के लिए उसको प्रोस्पेक्ट को बस अप्रोच कर रहे थे, नहीं। आपका मेरा मकसद किसी व्यक्ति को सिर्फ ज्वाइन कराना नहीं है, आपका मेरा मकसद है एक व्यक्ति को एक सिस्टम में लेके आना, सिस्टम को फॉलो कराना, और जिससे उसकी, उसके परिवार की, आने वाले उसके नियर एंड डियर्स की यहाँ पे लाइफ चेंज होने वाली है। दोस्तों ये कोई हैंकी फैंकी प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम अपनी तो लाइफ चेंज करेंगे ही करेंगे, और ना जाने आपके और मेरी थ्रू पता नहीं कितने परिवारों की लाइफ चेंज होने वाली है। और जब लाइफ चेंज होती है दोस्तों, लोगों से दुआएं मिलती हैं, दुआओं में इतना दम होता है कि उसके थ्रू आप लाइफ में कोई भी ऐसी चीज अचीवमेंट नहीं है जो आप अचीव ना कर पाए। मैं फिर आप सभी को यही बोलना चाहूंगा, ये बहुत ही फैंटास्टिक प्रोग्राम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग करता है। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर आपको मुझे दो तरीके के लोग मिलेंगे। एक लोग वो मिलेंगे जिनको यहाँ पर नहीं आगे नेटवर्क बनाना, उनको सिर्फ यहाँ पर अपना, यहाँ पे अपना अकाउंट खोलना है, सिर्फ उनको अपनी ट्रेडिंग करनी है, करवानी है, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों ये आपको दोनों कैटेगरीज को अप्रोच करना है, उनको भी। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कई सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं,
हम लोग जाकर उनको अप्रोच ही नहीं करते। हम लोग क्या सोच लेते हैं कि भाई उसका ऑलरेडी पहले से बहुत पैसा है, उसके पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, ये है वो है, सब कुछ कुछ है। लाइफ में सबके पास सब कुछ कभी नहीं होता। हर इंसान अपनी एक सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस के लिए फाइट कर रहा होता है, एक अचीवमेंट्स के बाद दूसरी अचीवमेंट्स के लिए फाइट कर रहा होता है, अपना एक गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल की तैयारी कर रहा होता है, अपना एक टारगेट पूरा करने का दूसरा टारगेट वो बना चुका होता है। तो आपकी लाइफ में कोई भी, चाहे किसी भी प्रोफाइल का व्यक्ति है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है आप हर किसी के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि लाइफ में हर इंसान को, चाहे कोई भी है, टाटा बिड़ला अंबानी अडानी जो मर्जी है, चाहे एक रिक्शे वाला है, लाइफ में हर इंसान को पैसा चाहिए। किसी के पास 100 है तो उसको 1000 चाहिए, 1000 है तो 10,000 चाहिए, 10,000 तो लाख चाहिए, लाख है तो करोड़ चाहिए, करोड़ चाहिए 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ तो 1000 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ वाले को 10,000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ वाले को 1,00,000 करोड़ चाहिए। तो हर इंसान अपने अगली सक्सेस के लिए फाइट कर रहा है। और लाइफ में ध्यान रहे, हमेशा कोई भी इंसान जो आज काम कर रहा है, इस कोविड के पीरियड ने एक चीज प्रूव कर दी है पिछले 3 साल के या 2 साल के अंदर, कि अगर आप और मैं लाइफ में अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग पे डिपेंडेंट नहीं है, तो याद रखना दोस्तों, आप और मैं सिर्फ गरीबी रेखा से कदम दूर हैं। तो आपके मेरे आसपास, आपके मेरे नियर्स एंड डियर्स जितने भी हैं, पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन लाइफ में वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि हर इंसान लाइफ में सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए फाइट कर रहा है। तो वो जो उसकी फाइट है, उस फाइट को अंजाम तक आप और मैं पहुंचा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके मेरे बीच में एंटर कर चुका है, जहां पर उसकी सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की जो जर्नी थी उसको पूरा करने में हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं ये बोलना चाहूंगा, अब आगे हैंड ओवर करना चाहूंगा मैं मैम को, तो मैम आगे कंटिन्यू करें, बाकी मुझसे कुछ पूछना चाहता है कोई तो मुझसे पूछ सकता है। पूरन भाई, बस 2-4 चीजें थी जो मेरे हिसाब से जितने भी 350 लोग यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगा उन तक वो बातें बनाई। एक बात मुझे बड़ी प्यारी आपकी लगी कि जो सिस्टम में है, आज की तारीख में 350 लोग यहाँ पे लाइव बैठे हैं, और आपने बड़ी प्यारी बात यहाँ पे पब्लिकली बोला है कि आज की तारीख में सिस्टम, लोग व्यक्ति उसी से खुश होता है कि वो अपलाइन को भी फोन ना करे कि मुझे विड्रॉल में ये दिक्कत आ रही है। मैं नहीं मानता अभी तक कंपनी में किसी भी व्यक्ति ने टर्मिनेट किया हो, उसको कभी 48 घंटे लगे हो उसकी गलतियों से, उसने अपनी केवाईसी नहीं की है, उसने लेवल 1 लेवल 2 को वेरीफाई नहीं किया होगा, तो हो सकता है 2-4-6 दिन का समय लग गया हो, वरना 48 to 72 hours के अंदर वो आपका टर्मिनेट अकाउंट या आपका विड्रॉल इनकम आपको मिल जाती है। आई एम राइट पूरन भाई? ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा ध्यान रहे, आपको जब भी टर्मिनेट करना है तो आपको मैक्सिमम संडे या उससे बिफोर कर देना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने मंडे टर्मिनेट किया या ट्यूसडे किया, तो जो कमिंग जो भी मंडे होगा उसी में आपको टर्मिनेशन का आता है, मतलब आधा टर्मिनेट वाला कुल मिला के मंडे को ही आता है। हाँ, तो हाँ नहीं, टर्मिनेट है या आपका प्रॉफिट भी है ना, जो आपकी मेरी इनकम हो रही है वो भी मंडे को ही आती है। जी 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 जी। हाँ, तो इसलिए हमेशा स्पेशली ध्यान रहे। और दूसरा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखो कई बार क्या होता है, हम किसी को प्लान देते हैं, उसको हमारा सबको अच्छा लगता है, बट लाइफ में कई सारे रीजन ऐसे होते हैं जहां पर कई मजबूरियों की वजह से भी उसको अपना पैकेज टर्मिनेट करना पड़ सकता है ना। तो स्पेशली ध्यान रहे, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ या मेरे साथ इस सिस्टम में काम कर रहा है, किसी भी रीजन से अगर वो अपने पैकेज को यहाँ पर टर्मिनेट करना चाहता है, तो उसको बोलो कम से कम मिनिमम 30 से 35 दिन वो अपने इस पैकेज को कंटिन्यू रखे, जिससे कि जो उसको जो डिडक्शन होने वाली है उतना प्रॉफिट सिस्टम से उसे जनरेट हो चुका होता है, जिससे कि जो उसे नुकसान जाने अनजाने में जो हो सकता है उससे वो बच जाता है। इससे क्या होगा, चाहे वो आपके मेरे साथ लाइफ में दोबारा काम करे ना करे, लेकिन जीवन में कभी वो आपसे मुझसे ये नहीं बोल सकता कि सर या मैडम कि मैंने आपके साथ काम किया था और मेरा नुकसान हो गया। तो ये आपकी मेरी ड्यूटी बनती है उसको बताने की, कि कम से कम 30-35 दिन तक अपने इस पैकेज को रखें, फिर टर्मिनेट करना चाहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि कम से कम अगले का जो 10% का जो नुकसान हो सकता था वो उसका बच जाएगा। जी जी, मतलब ये बहुत प्लस पॉइंट आपने कहा। जितने भी भाई यहाँ पे कनेक्ट हैं, ये एक छोटी सी मैसेज बहुत बड़ा मैसेज चला जाता है कि अगर आपको $500 का पैकेज आपने लगाया हुआ है, तो मंथली अगर कंपनी 6 से 10% भी आपको देती है, तो $50 आपका मंथली रिटर्न होता है। आप टर्मिनेट करेंगे, 10% डिडक्शन होता है अगर 3 महीने के अंदर करेंगे, लेकिन पूरन जी कहते हैं कि 1 महीने बाद करो, क्योंकि जो $50 का आपका प्रॉफिट है, कि अगर आप विड्रॉल भी करेंगे तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा।
तो मतलब आपको कोई कोई लॉस भी नहीं होगा, कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, लेकिन आप अपने पैसे के साथ बाहर निकल सकते हैं। 1 महीने तो सर कोई भी इंतजार यहाँ पे कर सकता है। तो छोटे छोटे से टूल्स पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। पूरण भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे मार्केट में निकल के आता है ब्रोकर को लेके। लोग कहते हैं ये सिस्टम पुराना है मोहित जी, इतना ट्रस्टेबल है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी इतना चलन में नहीं है। मतलब ये देखा जाए जैसे ओक्टा एफएक्स है या लाइक और भी बड़े बड़े ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल हैं जो पहले से लोग उनको जानते भी हैं, लेकिन एफपीपी ट्रेड 2017 से मार्केट में, लेकिन अभी इतना चलन में क्यों नहीं है, उसके क्या उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जबकि हम लोग इतने पुराने काम करते हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहाँ पे जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अराउंड समथिंग 35,000 प्लस ब्रोकर्स हैं जी, और ईमानदारी वाली अगर बात करें आप और मैं, मुश्किल से 5-10 लोग 5-10 ब्रोकर को आप में जानते होंगे टिप्स पे। वो भी हम कैसे जानते हैं उसका रीजन आपको बता देता हूं मैं, कि नॉर्मली फेसबुक पर और यूट्यूब पर दुनिया भर के इनके प्रमोशंस आते रहते हैं जी, तो वहां के जरिए आपको मुझे पता चल जाता है कोई ऑक्टा एफएक्स चल रहा है, कोई इन्फिनोक्स चल रहा है, कोई मल्टी बैंक चल रहा है, कोई फलाना चल रहा है, कोई एसएनएक्स चल रहा है, वहां से आपको मुझे पता चलता है। अदरवाइज इसके ऊपर जो दुनिया में 35,000 प्लस ब्रोकर कर रहे हैं, या दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ब्रोकर है, क्या आप में उसका नाम जानते हैं जो दुनिया का नंबर वन ब्रोकर है? क्या वो इंडिया में काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि कोई चीज आपको मुझे अभी पता चली है तो उस पर क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया। बट इतना हो सकता है कि आपकी मेरी किस्मत में अभी आना लिखा था, इसलिए अभी पता है। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं, अब हम अपने आप को बहुत धुरंधर मानते हैं और एक कंपनी है, मैं ओपन नाम लेने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और IIM अकेडमी कंपनी का नाम है, 120 कंट्रीज में रनिंग है, ऑल ओवर वर्ल्ड में एजुकेशन का काम करती है, और हम अपने आप को तोपची मानते हैं, और कंपनी 2013 से चल रही है, और पूरन सिंह को कब पता चलती है? अप्रैल 2020 में। तो ये कोई मतलब नहीं है। अब बोलो जी 2020 में आपको पता चली कंपनी 2013 से चल रही थी, इंडिया में पहले क्यों नहीं आई? देखो होता क्या है, जब कोई भी सिस्टम जब चल रहा होता है तो वो अदर कंट्री में जब एंटर करता है तो उसको कौन लेके आता है? कंपनी एंटर नहीं करती, ध्यान रहे। फिर आपको थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पे इत्तफाकन से, इंडिया में अगर हम एक पर्टिकुलरली बात करें, इंडिया में जो एक्चुअल में नेटवर्किंग जो चालू हुई वो मोदी केयर और एमवे से चालू हुई। जी जी, क्या एमवे जो कंपनी है क्या वो खुद चल के इंडिया में चालू हुई थी आके? नहीं चालू हुई थी, उसको भी एक लीडर इंडिया में लेके आया था जी। तो सेम बेसिकली क्या है, हो सकता है जो बाहर जो कंपनी चल रही है वो अभी तक उसमें किसी लीडर का यहाँ पे या तो लिंक ना हो, किसी उसने किसी को भी अप्रोच ना किया हो, या यहाँ वाले को बाहर से भी कॉन्टेक्ट ना हुआ हो, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कंपनी 5 साल से ब्रोकर है या कोई कंपनी है एक्स वाई जेड है, अगर वो 5 साल से अगर हमारे यहाँ पे नहीं आ पाई तो हम बोले जी वो कंपनी अच्छी नहीं है, खराब है, ऐसा कोई ऐसे ये कोई पैरामीटर नहीं है कि हमें अगर डिले पता चल रहा है तो हमारे पैरामीटर के हिसाब से वो क्वेश्चन मार्क लग गया। जी 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 जी, कंपनी चाहे आज पता चले या कल पता चले, परसों ले या 6 साल बाद चले या 10 साल पता चले, बात हुई जो जो सिस्टम आ रहा है वो सिस्टम किस रेगुलेशन के तहत काम कर रहा है, कौन सी रेगुलेट बॉडी उसको रेगुलेट कर रही है, वो मेन होती चीजें। ऐसा नहीं, अगर आप पिछले अगर देखेंगे पिछले कुछ टाइम से तो जितनी भी जो अब मार्केट जो आई है, डिजिटल ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। करेक्ट करेक्ट, मतलब आपको मुझे इतना नजदीक ला दिया है कि जहाँ पे एक टाइम फ्रेम लगता था वो एक चुटकी बजा के वो टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है जी। तो ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है हम बोले जी ये 5 साल पुराना तो आज क्यों चालू हो रहा है। वो जब भाई कोई सिस्टम को लेके ही अभी आया है इंडिया के अंदर तो उसे आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो एफवीपी के अंदर पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, बट वो लोग नेटवर्कर नहीं है तो उन्होंने किसी अप्रोच ही नहीं किया। वो क्या है, उन्होंने अपना अकाउंट खोला, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको दीन दुनिया से मतलब भी नहीं है ना, उनको मतलब कि भैया इसको किसी को ज्वाइन कराने से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। वो केवल इतना जानते हैं भैया मैंने पैसा लगाया, सिस्टम मेरे को ऑथेंटिकेशन दे रहा है, मेरे लिए सफिशियंट है, मुझे ना तो मैं किसी को ज्वाइन कराना चाहता ना मेरे को कोई चीज करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ही किसी प्रोफेशन में इतने एंगेज हैं वो और किसी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन क्योंकि सिस्टम इतना स्ट्रांग है, इतना डिसिप्लिन तरीके ट्रेडिंग करता है, वो अपने पैसे से पैसा बना रहे हैं जी जी। करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत अच्छी बात पूर्ण भाई। पूर्ण भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे मार्केट में निकल के आता है, 350 लोग आपको सुन रहे हैं, और ये क्वेश्चन ये ऐसा है कि हम कहीं भी इस कॉन्सेप्ट को लेके जाते हैं तो हम सारी चीजें बता देते हैं, तो लोगों का लास्ट में एक ही क्वेश्चन निकल के आता है। लास्ट भी हमारे पास फोरेक्स एक्सपर्ट आए थे, आप भी फोरेक्स एक्सपर्ट है, हम आपकी भी नॉलेज लेना चाहेंगे, और इस विषय में तो मैं जितना चाहूँ उतनी चर्चा करूँ उतनी कम होगी। सर हमारा पैसा कितना सेफ एंड सिक्योर है सिस्टम के पास, एलपी के पास,
इस चीज के लिए हम किस तरीके से खुल के काम कर सकते हैं, आप इस विषय में थोड़ी सी टिप्पणी करें सर। देखो पहली चीज तो है, अगर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें, देखो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। सबसे पहले ये देखो कि कंपनी जो ब्रोकर है वो कितना एग्जिस्ट करता है, यानी वो धड़ल्ले से बोल रहा है पूरे दुनिया में वो अपने ऑफिसेस खोल रहा है आज की डेट में, ठीक है। एक छोटी सी बात करते हैं, हर किसी को स्कैम करना होगा ना, वो एक ऑफिस खोल के भी आराम से स्कैम कर सकता है, उसको दुनिया में अपने आप को ज्यादा पॉपुलर करने की, ऑफिस खोलने की, एक्सपेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब उसे स्कैम ही करना तो आराम से एक ऑफिस खोल के स्कैम कर लो। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो कल के सेमिनार हुआ था, वेबिनार हुआ था, मैं उसी से भी थोड़ा सा जाना चाहूंगा, फिर आप इसका जवाब देना। वहां पे लाइव बैठे हुए थे लगभग 40-50 प्लस ऑफिस लाइव बैठे हुए थे, कुछ चाइना के थे, मलेशिया के थे, मैं देखकर दंग रह गया था भाई कल के वेबिनार में। मतलब मेरे मैं मोहित भाई बोलना चाहूंगा यहाँ पे जी, अभी भी हो कह रहा पब्बा, इसमें मैं लोगों की भी गलती नहीं मानता, क्योंकि देखो आप और मैं तो हमेशा शिद्दत से ही काम करते हैं, और लोग भी, मैं किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता, बट करें क्या कि मार्केट में इतने स्कैम हो चुके हैं, इतनी ठगी हो चुकी है कि लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतना बेटर सिस्टम भी मार्केट में आ सकता है और वाकई में इतने बड़े स्केल पे काम कर सकता है। क्योंकि आज तक अभी तक जो आपके हमारे साथ जो हुआ है वो स्कैम ही हुआ है, ठीक है ना। तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि हाँ इतना बेटर भी कुछ हो सकता है लाइफ में, जो हमारी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है। जी 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 जी। अब बात है कि अब शुरू से अब दाल रोटी खाने की आदत है, अब अचानक अब बिरयानी और शाही पनीर आने लगे तो कह रहे भैया ये कहाँ से आ गया, हमें तो हजम नहीं हो रहा, हम तो दाल रोटी खा सकते हैं, दाल रोटी खा सकते तो वही वाली बात है। लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर अच्छी चीजें भी हैं, पांचों उंगली, एक छोटी सी बात करते हैं, हमारा जो हाथ होता है उसके अंदर भगवान ने सारी उंगली बराबर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि हर उंगली जो होती है, हर फिंगर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर फिंगर की। तो वैसे ही मार्केट में हमेशा बुरा नहीं होता, अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें हैं तभी ये पूरी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया सरवाइव कर रही है, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, जैसे कहते हैं कि भगवान जो भी है, जो परवरदिगार जो दुनिया को चला रहा है, देखा किसी ने नहीं है, लेकिन सबको बिलीव है कोई तो है जो इस सिस्टम को चला रहा है। तो वही है विश्वास। सबसे पहले आपको मुझे लाइफ में जो एक केवल एक चीज ऐसी है, एक विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ हमारी आपकी लाइफ में एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोजेक्ट एंटर हो चुका है जो वाकई में साफ सुथरा और स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो कंपनी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, वह कंपनी की पूरी मैनेजमेंट आती है, इंटरेक्ट करती है वन टू वन। अब तो बहुत, अब तो कुछ टाइम भी नहीं रह गया, आज 3 तारीख है और 20 दिन की बात है, पूरी मैनेजमेंट से वन टू वन इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है दोस्तों, वन टू वन। वरना नॉर्मली क्या होता है, मैं आप बता देना चाहता हूँ, जितने भी ब्रोकर्स के हम नाम सुनते हैं ना, केवल हमें पता चलता है जी फलाना इसका मालिक है, ये है वो अगड़म सगड़म, लेकिन वन टू वन इंटरेक्ट करने का बहुत माइनर चांसेस होते हैं। हम ऑक्टाफिक्स के मालिक से मिले हैं कभी क्या? करेक्ट। अगर पूछे क्या और ओनर का नाम पता है, कि जितने भी 353 लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से एक आध को शायद पता भी हो तो, बट फिर भी कह रहे जी वो बढ़िया है। जिसको हमने देखा नहीं, जिसका हमें ये नहीं पता, वो हमारे लिए बढ़िया, और जिसका हर चीज सामने हमसे इंटरेक्ट करती है, वन टू वन पब्लिक से मिलती है, पूरे दुनिया में ऑफिसेज खोल रही है, और एक अच्छी चीज और क्या है, अब तो और बढ़िया होने वाला है, आपके हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया में ऑफिसेज खोलने जा रहे हैं। अब इससे और ज्यादा बिलीव, ट्रस्ट की चीज और क्या हो सकती है जी, जी, अब जी। मैं एक बल्गर लैंग्वेज यूज करूं, कंपनी को खुजली कोई है और बिना ऑफिस खोल के भी स्कैम कर सकती है भाई, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, क्यों? और सबसे बड़ा, जितने ऑफिस खोल रही जा रही है, हर ऑफिस को कंपनी सपोर्ट करेगी, एक्सपेंसिव विद एम्प्लॉई, जो भी वहां पे एक्सपेंस होगा उस ऑफिस के अंदर, वो सारी चीजें कंपनी हैंडल करेगी, सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी आपके, हमारे साथ कंपनी को क्या जरूरत है। आज इतने सारे आपने मैंने प्रोजेक्ट किए, उन कंपनीज के कितने ऑफिस थे, अरे स्कैम हुए होंगे, या तो ऑनलाइन हो गए होंगे, या होगा जो बिरला एक ऑफिस होगा, वहीं से स्कैम होके गायब चीज हो चुकी होंगी। उसको इतने ऑफिस, इतने परजेंस दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो परजेंस क्यों दिखा रही है, उसका एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन क्या है कि कंपनी 2024-25 में अपना IPO NASDAQ पर लिस्टिंग करने की तैयारी कर रही है जी, जी। जिसका प्री ICO आपुर में अभी हाफ
मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं सबको डिस्ट्रीब्यूशन मालूम होगा। मोहित भाई डेली पंचेशन देते हैं, डेली डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, जिसका हमारी अर्निंग का एक पार्ट आईपीओ वॉलेट में हमारा इकट्ठा होता है। जब $100 इकट्ठा हो जाता है तो आपको मुझे चांस मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने का। लेकिन सबसे मजेदार वाली चीज, वहां पर भी कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंसी देती है, कोई कंपल्सन नहीं है, कोई स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं है, कंपनी वहां भी चॉइस देती है कि भाई आईपीओ परचेज करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस है सिस्टम के ऊपर तो उसको होल्ड कीजिए, और नहीं है तो एक सेकंड में सेल कीजिए, अपने पैसे को इन कैश कर लीजिए। ये स्टेकिंग प्रोग्राम नहीं है कि आपने मैंने पैसे लगाए, कंपनी ने स्टेकिंग पे लगा दिया, अब धीरे धीरे कंपनी आपके मेरे पैसों को अपने कॉइन अपने टोकन के रूप में रिलीज कर रही है और बोल रही है जी जो मेरा लाइव रेट होगा लाइव रेट पे बेच देना। नहीं, आपका मेरा पैसा आपकी मेरी चॉइस पे डिपेंड है, आपको मुझे कॉन्फिडेंट है तो उसे कंटिन्यू कीजिए, नहीं है तो आईपीओ है चाहे जो भी है एक सेकंड बटन दबाइए, अपने पैसे को इन कैश कीजिए। कंपनी कहीं भी कोई कंपल्सन नहीं डालती है, हर चीज आपकी मेरी चॉइस के ऊपर है कि आप में सिस्टम को लेके कितने कॉन्फिडेंट। जी 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 पूरन भाई, ये जो अभी जो कंपनी का मलेशिया का ट्रिप है वहां पे कंपनी अपना ओटीसी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है, अपने आईपीओ को वहां पे लिस्टेड वहां पे ऑन द स्पॉट कर रही है। गैदरिंग बताई जाती है कि 4,000 से 5,000 लोगों की गैदरिंग वहां पे होने वाली है, मर्सिडीज तक वहां पे ऑन द स्पॉट गिफ्ट के तौर पे दी जाने वाली है। तो इसे देख के तो लोगों का माहौल जो कल के 90% डाउट थे लोगों, कंपनी के सीईओ कभी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जूम पे लाइव नहीं आते, लेकिन कल 1,000 लोगों के जूम पे लाइव बैठे थे। बकाया ऑफिस के साथ का हर कंट्री का व्यक्ति वहां पे, हर कंट्री की कम्युनिटी वहां पे बैठी हुई थी अपने ड्रेसअप के साथ। और वहां सबसे बड़ी बात ये थी, जो एफपीपी इंडिया करके एफपीपी मलेशिया करके आ रहा था उसी को एंट्री दी जा रही थी। अगर आप योगेश मोहित पूरन के नाम से आ रहे थे तो ऑन द स्पॉट लाइव, तो ये दर्शाता है कि कंपनी कितनी प्रोफेशनल है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अंबानी को कभी आपने जूम मीटिंग करके देखा है, बिल गेट्स को कभी करते देखा है, कि उनको अपने खुद के कामों में इतनी उलझने रहती है कि उन्हें जरूरत नहीं पड़ता कभी कॉन्फ्रेंस करने के लिए जूम करने के लिए। तो लोग यहाँ के ना एक सोच है वो शायद उसका विस्तार वो नहीं कर पाते। पूरन भाई क्वेश्चन यहाँ पे और निकल के आ जाता है, मैं फिर वापस वहीं पे आना चाहूंगा कि हमारा फंड कितना सेफ एंड सिक्योर एलपी के पास रहता है, या कुछ ऐसा मिसहैपनिंग अगर ऐसा होता है तो हम कितने अपने पैसे को सुरक्षित निकाल सकते हैं। कंपनी जो होती है कि हम ऑन द स्पॉट अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि 90% आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर होता है, एक डॉक्यूमेंट हमें मिलता है उसे हम पीडीएफ में डाउनलोड भी कर लेते हैं, उसका सर प्रॉपर मींस क्या होता है मैं चाहूंगा। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहली चीज तो क्या होता है कि जब भी आप में यहाँ पे कोई भी पैकेज अभी लेते हैं यहाँ पे, तो वहां पर पैकेज लेने से पहले हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं वहां पे, है ना, लो मीडियम एंड हाई। यानी कि अगर आप और मैं लो सेगमेंट में काम करना चाहते हैं तो वहां पर कंपनी जो आपको मुझे जो है हमारा जो मूलधन जो प्रिंसिपल है उसके 100% की एश्योरिटी हमें देती है, ठीक है। लेकिन उसमें जो आपको मुझे एवरेजिंग रिटर्न जो आएगी वो 2-4% मंथली आएगी, ट्रेडिंग वही होगी लेकिन एवरेजिंग उसमें कंपनी जो ट्रेड करेगी उसी हिसाब से ट्रेड करेगी, वहां पे कंपनी कोई रिस्क नहीं लेगी पब्लिक मनी के ऊपर। और कोई थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहता है तो वो मीडियम सेगमेंट में जा सकता है, मीडियम के अंदर 95% पैसे की गारंटी होती है, 5% का रिस्क होता है, ठीक है, और वहां पर 54-6% की रिटर्न आती है, ठीक है। इसी हिसाब से लास्ट हाई आता है, 99.9% लोग इस हाई में ही जाते हैं, वहां पर 90% पैसे की गारंटी होती है, 10% का रिस्क होता है, और वहां पर कंपनी आपको मुझे 6-10% की रिटर्न का कमिटमेंट करती है। वो कंटिन्यू कंपनी आज से नहीं कर रही, लास्ट 3 ईयर से कमिटमेंट पूरा कर रही है। अभी तक मुझे तो कोई मार्केट में नहीं मिला, मैंने पुराने 1.5-1.5 साल पुराने भी अकाउंट खोल के देखे लोगों के, जहां पर कोई मुझे ऐसा अकाउंट मिला जिस पर मुझे कभी ऐसा लगा हो कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने $500 लगाए थे अब उसके यहाँ पे 499 रह गए हैं, यानी सिंगल डॉलर भी मैंने आज तक कम नहीं देखा। और देखो आज हम भी ट्रेडिंग करते हैं तो किसी की जो चेक किया जाता है कि भाई वो किस तरीके किस ट्रेडिंग कर रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन कर रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है, वो हमें पता चलता है उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखकर, हिस्ट्री से समझ में आ जाता है कि एक नॉलेजेबल ट्रेडिंग कर रहा है, तुक्काबाजी कर रहा है या प्रोफेशनल कर रहा है। तो प्रॉपर आप ट्रेडिंग जब देखेंगे, कंपनी पूरी सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करती है, एवरेजिंग ट्रेडिंग करती है और वहां पे आपको कमेंटमेंट कर रही है। दूसरा कंपनी क्या है, आप जैसे जो एक सर्टिफिकेट जो रिलीज होता है, जो सर्टिफिकेट नंबर रिलीज जो हो रहा है, वो उससे क्या होता है आपको उनमें पहले दिन से एश्योरिटी मिल जाती है। एश्योरिटी का फायदा क्या होता है कि यार किसी भी रीजन से एक छोटी सी बात कर नेगेटिव बात करते हैं यहाँ पे, हम मानते हैं फेल हो गया जी। यही सोच रहे हैं ना, फेल हो गया तो हम पैसे कहाँ क्लेम करेंगे, हमारा पैसा कहाँ से मिलेगा। अगर आप इसमें सर्टिफिकेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3-4 सर्टिफिकेशन आते हैं। पहले एक FCA आता है,
फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी बोलते हैं, जो यूपीए से मिलता है, आफ्टर 3 इयर्स मिलता है, सबसे बड़ा बेनिफिट उसी का आपको मुझे मिल जाता है। आप जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, 346 लोग हैं, एफसीए की साइट पे जाएं, वहां पे पूरा स्टडी करें, वहां देखें उनकी टर्म कंडीशंस को, वहां पे देखें कि वहां पर अगर कोई भी ब्रोकर अगर उस रेगुलेटरी बॉडी को फॉलो कर रहा है, यानी उससे लाइसेंस लेके काम कर रहा है, तो वहां पर वो क्लाइंट के पैसे को क्लेम करने के लिए कितना सेफ वहां बताते हैं वो लोग। आपका मेरा पैसा वहां पर उतना ही सेफ है जितना पैसा आपका मेरा अपनी पॉकेट में या अपने बैंक में पड़ा हुआ है। यानी किसी भी रीजन से अगर ये ब्रोकर फेल होता है तो आपके मेरे पैसे उतने ही सेफ हैं जितने आपकी मेरी खुद की पॉकेट में या आपके मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। करेक्ट करेक्ट, हाँ ये चीज है। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर देखो, मैं तो लाइफ में चिंता हूँ आपके मेरे प्रॉफिट की या इनकम की, अगर हम लोग बात करें उसकी वैल्यू जब है कि जिसकी वजह से आप में कमा रहे हैं, कमा के सिर्फ अपने टीम, अपने नेटवर्क, अपनी फैमिली की वजह से हम लोग कमा रहे हैं। मैं तो जो इंटरनेट टीम है वो हमारी फैमिली मानता हूँ मैं उसे, तो हम सब एक फैमिली है, हम अपनी फैमिली की वजह से सब लोग कमा रहे हैं पैसा। जब तक आपकी मेरी फैमिली सेफ नहीं है तो आपकी मेरी अर्निंग की कोई वैल्यू नहीं है। करेक्ट, फर्स्ट इंपोर्टेंस क्या है कि जिनकी वजह से आपके मेरे घर में पैसा आ रहा है, अगर वो और उनका पैसा सेफ है तो आपकी मेरे पैसे की वैल्यू है इसमें। तो यहाँ पर आप और मैं उतने ही सेफ है जितना कि आपका मेरा पैसा अपनी पॉकेट और अपने बैंक। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे सर रवि जी, मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। लास्ट क्वेश्चन सर ये निकलता है, कल भी मैं पूरा जूम की कॉन्फ्रेंस में मैं था, 1000 लोग वहां पे गैदरिंग में थे, कंपनी के सीईओ फाउंडर लाइव वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने 2024 तक का रोड मैप बताया कि 2024 तक सिस्टम को लेके जाने वाला है, 2024 में हमारा सिस्टम नैसडैक पे लिस्टेड होगा और हमारा प्राइस लगभग 100 डॉलर के समथिंग हिट करेगा। लेकिन उसके बाद की जो प्लानिंग है वो नहीं बता पाए। लेकिन अभी तो हमें, आपको उन्होंने नहीं बताया तो हमें भी नहीं पता होगा, लेकिन इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, 2024 के बाद जितना मार्केट से फंड कंपनी उठा रही है क्या वो उठाती रहेगी, या उसे रोक के उसे नैसडैक पे लिस्टेड करने के बाद आईपीओ और वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि हम ऑटोमेटिक यहाँ पे किसी ने 5 CR, किसी ने 10 CR, किसी ने 50 CR यहाँ पे कमा लिया होगा। उसमें आप 2024 के बाद का फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर, वो मैं जानना चाहूंगा। सर देखो, कंपनी ने ऑलरेडी, होता क्या है कोई भी कंपनी जब अपना प्रोजेक्शन जब देती है तो हमेशा 3-4 साल या 5 साल तक ही देती है। कोई भी कंपनी ये नहीं बोलती जी हम अपने अगले 10 साल, 50 साल, 100 साल का रोड मैप पहले से तैयार कर दें। आप कोई भी जब प्रोजेक्शन जब बनाते हैं, जब हम अपना एक घर भी बनाते हैं तो पहले एक हम लोग उसका एक पूरा एक मैप रेडी करते हैं, नक्शा रेडी करते हैं कि इस तरीके से ये बनेगा होगा, ठीक है। उसके बाद ही सोचते, घर बनने के बाद में फिर आगे की तैयारी हम लोग करते हैं। तो इनकी जो पहले की जो तैयारी है वो 24-25 की तैयारी है अपने आईपीओ को लेके। जी जी जी, अभी प्रोजेक्शन आईपीओ को लेके फाइट चल रही है। तो अभी कंपनी का जो पहला जो प्रोजेक्ट है वो आईपीओ को लेके है, उसी को लेके पूरे दुनिया में अपने ऑफिस खोल रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं, उसी को लेके कर रहे हैं ये लोग। उसका रीजन क्या है, देखो आज नैसडेक के ऊपर किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ शेयर लिस्टेड करने के लिए उसको दो चीजें चाहिए होती है, वरना ऐसे तो कोई भी जाके वहां लिस्टेड कर लेगा। पहली चीज चाहिए वॉल्यूम, यानी लिक्विडिटी, यानी आपकी कंपनी का लिक्विड कितना आपके पास है वो चाहिए। दूसरी चाहिए होती कम्युनिटी। अब पहली चीज अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज कंपनी के साथ में बहुत सारे बड़े बड़े बिग जायंट बिग इन्वेस्टर्स एंटर हो चुके हैं स्पेशली फॉर आईपीओ। अगर रिसेंटली थोड़ा सा बैक में जाएं, 16 मार्च 2022 की बात करें, दुबई में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, और अगर हम कतर का बहुत बड़ा ग्रुप है, मोहनदी ग्रुप है, उसने तकरीबन 100 US मिलियन डॉलर इन इंडियन रुपीज से बात करें 800 करोड़ रुपए आईपीओ को लेकर एज ए पार्टनर के साथ लगाए। सर देखो, आप और मैं तो नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो हमारी सोच नेटवर्किंग वाली है, वो लोग ट्रेडिशनल वाले लोग हैं। इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट वो एफपी ट्रेडर के साथ लगा रहे हैं आईपीओ को लेके, तो कुछ तो उन लोगों ने भी देखा होगा, कुछ तो उन लोगों ने भी सोचा होगा जो 800 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड कर रहा है एक ऐसी कंपनी को लेके जो आने वाले टाइम में लिस्टेड करेगी। अभी कोई करंट में उनका आईपीओ लिस्टेड नहीं हो गया कि एक रनिंग कंपनी में आईपीओ नैसडैक पे चल रहा है, आप कोई उसके ऊपर दाव खेलने के लिए जा रहा है। यानी उसने कंपनी की कुछ फ्यूचर, कुछ प्लानिंग को देखा होगा, समझा होगा, कंपनी की पास्ट की कुछ ग्रोथ देखी होगी, कंपनी के जो मैनेजमेंट है उससे मिलके उसको समझ में आएगा कि वाकई में ये वो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहां पर वो भी इनके साथ मिलके एक हैंडसम अमाउंट कमाया जा सकता है। तब इतनी एक हेल्दी अमाउंट उन्होंने इनके साथ में मार्च में लगाई। एक बहुत बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे पूरी मीडिया वगैरह कवरेज हुआ था, और बुर्ज खलीफा भी काफी सिंगिंग प्रोग्राम हुआ था। और मुझे नहीं लगता कि इससे और खुल के कंपनी अपने आप को दिखा सकती है, बता सकती है। और अब अभी हम बोल रहे थे भाई इंडिया में ऑफिस कब खोलेंगे,
अब इंडिया में भी ऑफिस खुलने की तैयारी हो चुकी है। अभी मलेशिया का इवेंट होने के बाद ही मेरे ख्याल से अगस्त से अपने इंडिया में ऑफिसेस खोलना चालू हो जाएंगे। अरे सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फिर लगभग उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग बोलते हैं कि एफईबी में ये है, एफईबी में ये है, ये उन लोगों के लिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली का ऑफिस मैं ऑपरेट करने वाला हूँ। ये ऑलरेडी मैं पहले से ही कमिटमेंट कर चुका हूँ कंपनी को लेके भी कि दिल्ली का ऑफिस मैं ऑपरेट करूंगा। अरे सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और अपन जब खुल के जब काम कर रहे हैं और कंपनी जब सपोर्ट कर रही है तो क्या काम, फिर काम करने में क्या परेशानी है? कंपनी खुद अपने खुल के आ रही है तो आपको मुझे खुल के काम करने में क्या दिक्कत है? जी 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 करेक्ट 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 करेक्ट। और कंपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, और क्या चाहिए? आज हम भी इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो हमारे को तो इतने खुल के ट्रांसपेरेंसी तो हमें किसी कंपनी में हमें तो मिली नहीं आज तक, मिली नहीं है। सही बात सर, सही बात। बहुत अच्छा लगा पूरन भाई, आपका आपका एक्सपीरियंस जाने का तो और भी प्यारा लगा। और मैं शुक्रिया आभार व्यक्त करना चाहूंगा 350 लोगों का, बड़ी शिद्दत से सर को लगभग एक घंटे तुमने सुना। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ही रहते हैं तो ही मैं पूछ लेता हूँ। आप एक एक करके पूछेंगे, एक एक क्वेश्चन में 20-30 मिनट जाएगी, जवाब वही मिलना है, लेकिन समय मिलेगा। लेकिन मैं वही आप चैट बॉक्स में डाल रहे हैं आपके क्वेश्चन को लेकर, जितने भी पॉजिटिव थे जितने भी नेगेटिव थे मैंने पूरन भाई से पूछने की कोशिश की है। इवन आपको 90-99% जवाब मिल गया है, और जो 1-2% जवाब रह गया है ना वो मलेशिया ट्रिप आपको मिलने वाला है। कुछ को तो जवाब मिल गया था कल जब कंपनी के सीईओ फाउंडर लाइव आए थे, और कुछ को जवाब मिल जाएगा 23-24-25 जुलाई के समथिंग जब कंपनी का बड़ा सेमिनार यहां पे मलेशिया के अंदर इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, वहां पे इतनी सारी चीजें डिस्क्लोज होने वाली हैं पब्लिकली वहां पे, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंपनी ने वहां के लिए भी मटेरियल बचा के रखा है। अब कंपनी सारी चीजें यार कल की जूम में शेयर कर देगी तो वहां पे 3 दिन कंपनी वहां क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, वहां क्या क्या बोलेंगे कि भाई मैंने तो 2 जुलाई को बोल दिया, अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जी 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 जी। तो कोई भी चीजें होती हैं तो आगे के लिए जो आने वाले जो इवेंट्स होते हैं, इसके बाद अगला इवेंट अभी और आने वाले हैं, बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, दुबई का है, वियतनाम का है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं कंपनी के, जहां पर हमें और अच्छे तरीके कंपनी की इन फ्यूचर प्लानिंग और खुल के मिलेगी। 24 क्या आने वाले 2050 तक की हमें यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग मिलेगी कंपनी की, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम मिलेगी, रातों रात कोई चीजें नहीं होती कभी भी। जी 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 जी, धीरे धीरे चीजें बनेंगी। थैंक यू वेरी मच पूरन जी, आपने इतना समय यहाँ पे दिया मीटिंग में, लगभग 1 घंटा आपने यहाँ पे अपना समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। एंड तमाम सभी लोगों का मैं शुक्रिया आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सबने बड़ी शिद्दत से सर को सुना। और हमारा सर संडे यही टेक्निकली सेशन होता है, कुछ डाउट्स रहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में, ज्यादा नहीं हम इस मीटिंग में 2-3-4 घंटे खींचते हैं। हम 1 घंटे के अंदर वही पूछने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में आप जानना चाहते हैं, कोई ज्ञान की बातें नहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो तो हम डेली जूम मीटिंग में दे ही देते हैं। तो सर थैंक यू, लास्ट में कहना चाहूंगा पूरन भाई आपका, एंड मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मीटिंग में आए और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। थैंक यू वेरी मच पूरन जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड लास्ट में लेना चाहूंगा मेहरा जी, अगर कुछ शब्द आप कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं, कुछ विषय में आप, वैसे आपकी तबीयत थोड़ा उतार चढ़ाव वाली है, फिर भी मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट आप अपने शब्दों को लोगों तक पहुंचाएं सर। जी मेहरा जी। हाँ मोहित जी, बोलने के लिए तुम्हारा थैंक यू। ये है अभी लास्ट जो क्वेश्चन का थोड़ा सा खाली 2 मिनट का बोल के एंडिंग करूंगा। ये कितना सिक्योर्ड है यहाँ पे, इतना सिक्योर्ड है इसलिए क्योंकि पहला तो रेगुलेशन है, वो तो आपको मालूम है, सबको मालूम है। दूसरा, ये जो लोग फेथ क्यों करते हैं बड़ा बड़ा ग्रुप्स ऑफ कंपनी, इनका एक जो पेटेंट है पहला है उनका, क्यूनिफिटिव जो लाभ है उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, और कौन कौन यूज करते हैं सबको मालूम है। तो जैसे बड़ा बड़ा टेक जेंट है वो यूज करते हैं, वहां से बोल लेते हैं ट्रैक करने के लिए, 10 सेकंड में वो ट्रैक हो जाता है। दूसरा है मोटो कार्लो स्ट्रैटेजी, वहां से भी हो जाता है उनका स्ट्रैटेजी कैसे लगाना है, जो ट्रेड बोल रहे हैं ना कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे काम करते हैं, तो इनके पास ऑलरेडी पेटेंट है, और उसके साथ साथ उनका प्रोफेशनल ट्रेडर भी बैठे हैं, वो आज से नहीं, वो 2011 से ये कर रहे थे। फिर 2017 में इनका जैसे शुरू हुआ ये अपना जितना लाइसेंस वगैरह, फिर वो 3 साल अपना जितना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां से कर रहे थे। फिर 2020 में वो लोग अपना पाम टेक्नोलॉजी लाए, इसलिए लाए क्योंकि नेस्डेक में लिस्टेड होना था, इसलिए वो पाम टेक्नोलॉजी लाए क्योंकि क्लाइंट को जोड़ना था। तो इसलिए ज्यादातर
चल रहा था, लेकिन लोग जो बोल रहे थे क्यों ज्यादा नहीं आ रहा था, इसलिए कि 2020 से इसको क्लाइंट के तरह इसको पहले किया गया, ये है पहला। सेकंड है इनका जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि उनका F1, F2, F3 तीनों अकाउंट है, जैसे 60% उनका बड़ा बड़ा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का है, और जो 40% है उसमें से 30% उनका खुद का MBP का होल्डिंग का उनका है अकाउंट, और 10% हमारा क्लाइंट का। जो मान के चलो एक ट्रेड लगा, कोई भी ट्रेड लगा USD JPY, उसका क्रॉस पेयर दूसरे लॉट में लगेगा, मतलब दूसरा जो ये है F1 F2 में लगेगा, तो यहाँ से अगर लॉस हुआ वहां से वो रिकवरी होता है, तो इसलिए ये एक एवरेज मेंटेन कर पाते हैं कि उनका ओवरऑल प्रॉफिट ही होता है। लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई ब्रोकर नहीं है कि वो हर वक्त कैसे प्रॉफिट करता है ना, इसलिए प्रॉफिट करता है, इनका तीन अकाउंट चलता है, ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट में उनका चल रहा है। MBP का होल्डिंग का अलग से, क्लाइंट का अलग से, और ये जो अपना ग्रुप्स ऑफ कंपनी का जो ट्रेड है लगता है उनमें 2% से 4% उनको दिया जाता है, तो वहां से भी प्रॉफिट जनरेशन होता है। जो एक ही ट्रेड लगाता है ना वहां से भी उनका बचता है 5 से 6%, और जो बीच वाला उनका भी वहां से बचता है। एवरेजली अगर कहीं पे भी लॉस हो गया क्लाइंट का अकाउंट इधर से, तो वहां से वो रिकवरी करवा देते हैं, इस वजह से ओवरऑली हमें प्रॉफिट ही मिलता है, और वो भी नॉमिनल 20 से 25% वो ओवरऑली प्रॉफिट करते हैं, लेकिन हमें 6 से 10% देते हैं, यही कारण है। तो ओवरऑली प्रॉफिट होता है, ये ऐसा नहीं कि आपको कमिटमेंट कर देता है 45% 60% देने के लिए, 6 से 10% ही से ज्यादा वो नहीं बियर करता है, यही कारण है। तो ये जो टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, समझने के लिए आपको खुद टेक्निकल बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली आप सुनने में विश्वास करेंगे, तो आप भी खुद भी रिसर्च कीजिए और कैसे हो रहा है वो आप MT4 में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितना दिन इसमें अंदर में जाएंगे और अपना टाइम यहाँ पे रखेंगे, तब आपका नॉलेज बढ़ेगा, यही चीज है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर वन है, और उनका एस्टेब्लिशमेंट और इसका पोर्टफोलियो वो भी नंबर वन है, ये बेस्ट 10 ब्रोकर के अंदर में CFD ब्रोकर में आने वाले हैं, और ऑलरेडी तो है, लेकिन बेस्ट वन में आने का उनका प्रपोजल है 2024 तक, जैसे बता रहे थे। और खाली एक लाइसेंस नहीं, और भी लाइसेंस, अभी 4 लाइसेंस और भी आ रहा है, वो भी आपका तो वीडियो में आप देखे होंगे, तो और बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ऑफिसेस है इंडिया में, मैक्सिमम मलेशिया ट्रिप के बाद आपके शहर में भी खुल जाएगा, उसके बाद आपको ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग वियतनाम हो गया, कोरिया हो गया, वहां पे देख रहे हैं ऑफिसेस लाइव, वैसे यहाँ पे भी आप देखना शुरू हो जाएगा। और तीसरा चीज है, ये जो फॉरेक्स बोल रहे हैं कि इंडिया में क्यों ये रेगुलेटेड नहीं है, ये नहीं है, तो फॉरेक्स ऑलरेडी रेगुलेटेड भी है, नहीं भी है, जब तक आपका SEBI का गाइडलाइन यही है कि जब तक INR पेयर नहीं रहेगा तब तक वो SEBI रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है। तो ये और INR पेयर में कोई ट्रेड ही नहीं होता है SEBI में, तो ये उनको कोई जरूरत नहीं, इंटरनेशनली उनका ऑलरेडी लाइसेंस है, तो इसलिए उनके इंडिया का लाइसेंस लेने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब किए हो, लेकिन आपको स्टेट गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस ही जरूरत नहीं है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तो वैसे ही है इंटरनेशनली अगर आप लाइसेंस है, कोई लोकल ये में कोई जरूरत नहीं है, अगर उसका करेंसी को हम लोग करेंगे तब जरूरत है, लेकिन हमें INR पेयर यहाँ पे नहीं है, कोई भी ब्रोकर नहीं, खाली इसका छोड़ दीजिए, आप वक्ता अफेक्स भी देखिए, उसके भी INR पेयर नहीं है, है ना, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि SEBI के अंडर में उसको लाइसेंस लेना, यही कारण है। लोग बोलते हैं कि इसका रेगुलेशन क्यों नहीं होता है, बहुत सारा यूट्यूब में आप देखे होंगे, तो इनका यही है, तो ये यही कारण है कि रेगुलेशन इंडिया का लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, यही कारण है। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे आग मूंज के काम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा बड़ा ग्रुप्स ऑफ कंपनी, बड़ा बड़ा जेंट, जितना नॉलेजेबल पीपल है, सब यहाँ पे आ रहे हैं और आने वाले भी हैं, तो इस वजह से आपको आग मूंज के भी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। नहीं तो आपको अगर ज्यादा नॉलेज है या आपके पास बहुत सारा एक्सपर्टीज लोग है, तो उनको रिसर्च करके भी आ सकते हैं, ये दो ही चीज है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि समझदार को इशारा काफी होता है, और जो कमाने वाले होते हैं वो कमाते रहेंगे, लेकिन जो बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर, नेटवर्किंग का एस्ट्रोलॉजर, वो एस्ट्रोलॉजर बनते रहेंगे और बार बार आपको एस्ट्रोलॉजी का भविष्य बताते रहेंगे, लेकिन उनका घर में पहले उनको बोलेंगे कि जो भी बोलते हैं ना, आप इतना एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं, तो आप मेरे को खाली अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस मेरे को भेजिए, बस उसके बाद मैं आपका बात मानूंगा। अगर 1 करोड़ नहीं है ना, उसका बात सुनना नहीं है, क्योंकि वो
जैसे मान के चलो मैं, मेरे को तबियत खराब है, मैं जाके इंजीनियर को पूछूंगा क्या कि मेरा तबियत खराब है मेरे को दीजिए? वैसे ही है, आपको फाइनेंशियल कहीं पे एडवाइस लेना है उसका पहले बैंक बैलेंस देखिए, मिनिमम 1 करोड़ है कि नहीं। अगर है तब वो सक्सेस है, तब उससे एडवाइस लीजिए, नहीं तो ये भिखारी फटीचर से लेके क्या फायदा, खाली फालतू का आपको मुफ्त का बैंक। पहले बोल रहा था कि आपको भी खाने नहीं देंगे, खुद भी नहीं खाएंगे, यही है कारण। ओके, थैंक यू मोहित जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मेहरा जी, एंड बहुत ही कम शब्दों में आपने जो पूरन सिंह जी ने ज्ञान दिया उसमें और थोड़ा सा मसाला डाल के जो ज्ञान दिया है, मेरे हिसाब से 99% तो मैं 100% ही कहूंगा लोगों के डाउट पूरे हो चुके हैं। और ये चीजें मेहरा जी ने बिल्कुल क्लियरली की हैं कि जो आपका पैसा क्यों सेफ है, कंपनी की क्या प्लानिंग है और आने वाले वक्त के अंदर कंपनी क्या क्या चीज लाएगी, वो भी धीरे धीरे बताती चली जाएगी। एक ही दिन में सारा ले लेंगे तो फिर बाद में क्या बचेगा देखने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच मेहरा जी, एंड तमाम सभी लीडर्स का स्पेशल थैंक्स मिस्टर पूरन सिंह जी कि आपने बड़ी शिद्दत से बिजनेस को देखा समझा और आज उसमें अपने कुछ शब्द रखे, कुछ राय रखी, क्योंकि फोरेक्स की अच्छी नॉलेज आप रखते हैं। अपना खुद का ब्रोकर चलाने के बाद आप इस सिस्टम में आए हैं तो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि आप सिस्टम को लेके कितने सीरियस हैं। और उसके साथ साथ मैं तमाम सभी लीडर्स का IB SIB DIB जितने भी यहाँ पे हैं सबका शुक्रिया अभिनंदन व्यक्त करना चाहूंगा कि